समस्तीपुर की पुलिस को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। समस्तीपुर के जिला पुलिस टीम ने आज 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से असलहे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को मिली इस सफलता के बाद समस्तीपुर के DSP प्रीतीश कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी। आइए देखिए क्या है मामला। ग्रुप बनाकर मोटरसाइकिल से इधर उधर करते हुए रंगबाजी की जाती है, कई लड़कियों को छेड़खानी की जाती है। इस प्रकार की शिकायत आसपास के लोगों से गांव से प्राप्त हो रही थी। कल दिन में भी हुआ था कि दिन में मंदिर के पास एक लड़का पूजा करने आया था और उसका मोबाइल दिखने के बाद मार्केट में था। उन्हीं लोगों द्वारा मूसापुर क्षेत्र में एक मंदिर के पास में जाकर फिर से एक लड़के को धमकाया जा रहा था और उसके घर का आसपास फायरिंग की गई। थाने को सूचना मिली, पहुँचे हम लोग, वहाँ पर खोखा भी बरामद हुआ। उसके बाद हम लोगों ने नाम पता सब का आइडेंटिफाई किया और कल रात में गहन छापेमारी उन लोगों को मंचलों के खिलाफ की गई, जिसमें 4 नामजद लड़कों की गिरफ्तारी को अच्छे से तलाशी ले गई, जिसमें उसके घर से और उसके बैग से एक कट्टा मिला, उसके साथ 2 कारतूस थे, साथ में एक और पोटली में फायर किया हुआ 15 खोखा भी जब्त किया है। इस बैग से 25,000 रुपये की ही बरामदगी हुई है। हम लोगों को आशंका है कि ये लड़के और भी कई तरह के अपराध में शामिल हो सकते हैं, जिस पर पूछताछ चल रही है।